हमारे आज के बनाने के ढक्कन इस तरीके से होते हैं, तो अभी दिखाते हैं इसको क्या यूज होते हैं। जी हमारे अस्के बनाने की तैयारी भी हो गई है, और ये है अस्के बनाने का आटा। तो इसमें ना जंगोरा है और डाला जा रहा है इसमें इतना सा सोडा, तो ये ना फुलाने के लिए होता है। इसमें डाला जा रहा है पानी, तो पानी ना हमने पहले गर्म कर दिया है। इसके ऊपर ये चीनी पड़ी हुई है, तो राणा जी को ना मीठे अस्के पसंद है, उनको नमकीन पसंद है। सभी को मेरा प्यार अपना, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा नाम है सरू राणा और मेरे गांव का नाम है सड़क तल्ला, जो कि टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में पड़ता है। तो स्वागत है आपके फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह की 7 बजे से, और यहाँ देखिए मौसम दिखाती हूँ आपको। तो मौसम तो अभी एकदम साफ हो रखा है, ये देखिए पूरा क्लियर हो रखा है यहाँ पर मौसम। मैंने सोचा क्या, कल थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई थी, हल्की फुल्की बूंदे पानी हुई थी, हमने सारा सामान अंदर रख दिया था, लेकिन उसके बाद हवा इतनी तेज़ हुई कि बारिश नहीं हुई उसके बाद। तो फिर भी आज ठंडा हो रहा है, और धूप देखिए अभी तक धूप सामने वाली पहाड़ी पे है, तो वहीं तक आ रखी है अभी धूप, हमारे घर तक नहीं आ रखी, मतलब इतना गैप है अभी ऊपर आने के लिए। तो सामने वाली पहाड़ी देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लग रही है धूप आते हुए। तो यहाँ ना पेड़ पौधे बहुत कम है, पेड़ तो हैं पर वो छोटे छोटे भीमल खड़के वगैरह इस चीज़ के पेड़ ज़्यादातर हैं यहाँ पे, और घास वगैरह के जिसके मतलब पत्ती भैंस वगैरह को दी जाती है उस चीज़ के हैं, तो इसीलिए सामने वाले उसमें पेड़ तो है ना, इसलिए धूप दिख रही है वहाँ पे अच्छे से। तो इधर को तो धूप आई नहीं है अभी, अभी सिर्फ पहाड़ी पे आ रखे सामने, और यहाँ पे मसूरी में भी लगभग लगभग आ रखी है, इधर साइड तो नहीं आ रखी पर इधर मसूरी वाली रोड में इधर सेंजी वगैरह इधर तो आ रखी है धूप। तो हमारी बकरियाँ भी ना आज रात को भारी थी, तो ये भी अभी चुनने के लिए। अस्कों का त्यौहार, और जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बनाया था कि आज क्या आज त्यौहार है हमारा, तो यहाँ पे ना तो हमको अब आज अस्के बनाने पड़ेंगे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अस्के, तो दीदी तो बनाएगी नहीं, मेरे को ही बनाने पड़ेंगे, तो मैं बनाते हुए वो सिखाएंगी मेरे को। मैंने कब मतलब बहुत पहले बनाया था एक दिन, लेकिन उसके बाद फिर मैं नहीं बनाया था, हमेशा दीदी बनाती है, तो आज मेरी बारी आ रखी है बनाने की, तो इसलिए मैं बनाऊंगी। तो दिखाती हूँ मैं उसकी रेसिपी आपको, कैसे बनाते हैं उसको और किस तरीके से बनाया जाता है, तो सारी पूरे ब्लॉग में दिखाती हूँ आपको, मतलब कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका गोल बनाया जाता है। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। जी हमारे अस्के बनाने की तैयारी भी हो गई है, और ये है अस्के बनाने का आटा। तो इसमें ना जंगोरा है और गेहूँ है और चावल है, सब मिक्स है, तो ये कुटवा के ला रखा, पिसवा के ला रखा, मतलब तो इसको ना पतीले में घोल रहे, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल, क्योंकि हम नमक वाले अस्के बना रहे हैं नमकीन, तो इसमें ना थोड़ा नमक डाल देते हैं। और अब इसमें डालते हैं पानी, इसमें डाला जा रहा है पानी, तो पानी ना हमने पहले गर्म कर दिया है, तो इसमें गर्म पानी डाल दिया जाता है। मैंने ना कभी नहीं बनाया इसके, तो मेरे को दीदी ये देखो यहाँ पे दीदी सिखा रही है यहाँ पे साइड में बैठी कि ऐसे ऐसे बनाओ, तो इसलिए मैं पहली बार बना रही हूँ। बहुत है तो इसको अब अच्छे से घुमाएंगे ऐसे, इसको मतलब घोल बनाएंगे अच्छे से, और डालेंगे इसमें पानी। तो पहले क्यों नहीं बोला उस टाइम घोल, तो मैं तो आज सोई भी नहीं, तब ऐसे भी तो कहाँ सोए, वैसे भी तब बारिश हो गई थी, तब डाला जा रहा है इसमें इतना सा सोडा, तो ये ना फुलाने के लिए होता है, ताकि अस्के एकदम फूले फूले रहे, तो इस चक्कर से ये डालना पड़ता है थोड़े से इसमें लेकिन सोडा, तो इसमें ना एक भी गुल्फा नहीं रहना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से बनना चाहिए इसका घोल, एकदम गुल्फे एक भी नहीं रहना चाहिए इसमें, तो गुल्फे रहेंगे तो फिर अस्के अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से इसको अच्छे बनाया जाता है इस तरीके से, तो इस तरीके से घोला जाता है।
लगभग वैसे जैसे छोली रोटी बनाते हैं। तो तुझे तो आज बना रही है, आज मेरी लग रखी है बनाने की ड्यूटी। तो हम ना कमी लोग हैं तो इसलिए इतना इतना गोला है, सिर्फ इतना काफ़ी है, क्योंकि जेठ जी हैं और दीदी हैं और सासू जी हैं और बाकी राम जी हैं, बस इतने लोग हैं, तो इसलिए इसमें कमी गोले जा रहे हैं। अभी ना वैसे भी हल्की हल्की धूप है बाहर और हम जल्दी बना लेते हैं खाना, और आज तो त्यौहार है तो जल्दी जल्दी कर लेते, उसके बाद अब चलाती हूँ आग क्योंकि चूल्हे बनाने के लिए, तो इतना पतला करा जाता है, पतला कर ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए इसका गोल, नहीं तो क्या इसके अच्छे नहीं बनते, तो इतना बनाया जाता है। तो चले जी मैं दिखाती हूँ आपको बना के अपने हंस के। एक बार वैसे मैंने पहले बनाया था पर मुझे अब ध्यान में नहीं, काफ़ी टाइम पहले बनाया था, पर दीदी तो रोज़ ही बनाते थे तो उनको तो आदत है मतलब सालों से बनाने की, तो ना बड़े अच्छे बनाते हैं दीदी, उनके हाथ के अच्छे लगते हैं काफ़ी। तो देखते हैं मेरे हमारे हंस के बनाने के ढक्कन इस तरीके से होते हैं, तो अभी दिखाते हैं इसको क्या यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये ना बाज़ार से ला के खरीद के कोई खुद भी बना सकता है, कोई किसी के मिट्टी के भी होते हैं, लेकिन हमने ना बाज़ार से ला रखे, तो ये दो होते हैं, ये देखिए इस तरीके से होते हैं। तो अभी दिखाते हैं उनका क्या था हमें बने। तो ये देखिए ये है मुंगरी आटा, तो इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी भी मक्की होती है जिनकी में सब जानते, तो मक्की के ये हैं यहाँ पे इतने बने, तो इसके ना मक्की के दाने निकाल रखे इसमें, बाकी इसको ना आग दाने के काम आते हैं, तो इसमें ना आग लगा रखी है। और ये है सरसों का तेल कटोरी में, तो इतना तेल निकालते हैं और इससे हम अभी तवे के चसेंगे, मतलब तवे पे लगाएंगे इससे तेल, उसके बाद डालेंगे उसके ऊपर अस्के का ये घोल है जो तब बनेगा वहाँ, तो उससे ना चिपकता नहीं है इसलिए इसका ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये मुंगरी आटे का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कहीं कहीं पे तो कपड़ा उसमें बांधा जाता है ना लकड़ी में, वो करा जाता है यूज़, लेकिन यहाँ पे मुंगरी आटा है तो इससे ना काफ़ी अच्छा होता है। और ये रहा हमारा ढक्कन, तो हमने ये ढक्कन लगा दिया है यहाँ पे गर्म करने के लिए, और तवा भी रख दिया हमने यहाँ से ला के, गर्म हो रहा है यहाँ पे, और ये कौनसा है ये निकालने के लिए हमारा। ठीक है, तो तवा भी हमारा ना अच्छे से गर्म होना चाहिए पहली बार में, उसके बाद लकड़ियाँ हम थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा भी लकड़ियाँ नहीं चाहिए इसके लिए, ज़्यादा तेज आँच भी नहीं चाहिए, फिर जल जाते हैं एक बार में और अच्छे से पकते भी नहीं है फिर, तो थोड़ा सा आँच भी कम होनी चाहिए उसके लिए। और ये वाला ढक्कन तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, मतलब खूब गर्म होना चाहिए, फिर इसको इसके ऊपर जाएगा अस्के के ऊपर, फिर वहाँ पर दूसरा लगाया जाएगा। अभी दिखाती हूँ आपको करके किस तरीके से होता है। तो बहुत सारे लोगों ने ना खाए होंगे हंसके और बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, तो यहाँ पे तो काफ़ी फेमस होते हैं जौनपुर में, जौनपुर में तो बाड़ी और हंसके इतने फेमस होते हैं कि हर बार बनाए जाते हैं, मतलब कभी भी अच्छा कुछ मूड हो या अच्छा मन मतलब खाने का मन करे तो हंसके या बाड़ी बनाए जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आज तो खैर त्यौहार ही है इसका, तो यहाँ पे मेरे मायके में तो नहीं बनाई जाती ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से इसको चसा जाता है तवे को। गरम हो गया था खूब, इसको नीचे रख दो तो डालो के दोनों ढक्कन के यूज होता है इस तरीके से। तो एक ना गरम करा उसके ऊपर रख दिया और एक दूसरे गरम, तो ये आएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी देर इसको ऐसे रखने देते हैं। ना ना वो तो बाजू में डाल के लाए थे, बाजू में डाल के लाए थे, तो चली कर तू चल, चल कर, 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 चल कर
जी हमारे अस्के तो अब एकदम बन के तैयार हो गए हैं और आज ना पूरे अस्के मैंने बनाए। मैंने सोचा थोड़ा सा बीच में मतलब एक दो दो चार बना लूँगी उसके बाद दीदी बनाएगी, लेकिन पूरे मैंने ही बना लिए थे क्योंकि अच्छे बन रहे थे मेरे से और मुझे बनाने भी आ गया था मतलब। तो ये देखिए इस तरीके से बनते हैं अस्के हमारे, और ये ना मीठे वाले, ये देख रहे हैं इसके ऊपर ये चीनी पड़ी हुई है। तो राणा जी को ना मीठे अस्के पसंद है, उनको नमकीन पसंद नहीं है, तो इसलिए उनके लिए ना मीठे बनाए जा रहे हैं। ये देखिए उनके लिए मीठे बनाए मतलब, और ये वाले जो हैं ये वाले नमकीन वाले हैं क्योंकि और सब लोगों को नमकीन पसंद होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये नमकीन वाले बना रखे हैं। ये देखिए तो कमेंट में ज़रूर बताना किस किस ने अस्के बनाए हैं और किस किस को अस्के खाने पसंद है, कमेंट में बताना। चलिए जी आज की वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं, मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बेस्ट रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।